देखिए इतने सारे चील यहाँ पे आ चुके हैं, पर अब महास भी खत्म हो चुका है। ये रहा एक। कच्चा मांस चाहिए चीन को देने के लिए। कैसे देंगे चीन को? आप देंगे तो बगैर हड्डी का है। कितने का देंगे? 280 केजी। 280 केजी का 180 लाल 280 ₹50 का। ₹50 का ले रहे हैं और उसके बाद में चलते हैं और चीज को देते हैं। क्या है कि चीज जो है मांस खाना कहते हैं, वो मांसाहारी पक्षी है, इसीलिए यहाँ पर तो हमें मांस ही मिलेगा। तो कोई लोग कमेंट करके गलत मत बोलना है कि पक्षी है चील जो मांस खाना पसंद करते हैं, मांसाहारी होते हैं और शिकारी भी होते हैं, शिकार भी करते हैं। तो हमने इतना मांस दिया है उनके लिए, यहाँ से चलते हैं। और ऊपर बहुत सारे चील जो है घूम रहे हैं, मैंने पहले भी देखा था पर मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का। पर अब जब हमें जामा मस्जिद पर दिखे हैं चील, चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी कि चील कैसे होते हैं और क्या मांस खाते हैं। वो खाते तो है, ये नहीं कह सकते कि वो नहीं खाते। और देखते हैं कि जैसे भैया बता रहे थे कि हमारे हाथ पे आकर खा जाएंगे, तो वो देखते हैं। तो हाथ पर भी डेंजर रहता है, उनके नाखून काफ़ी बड़े रहते हैं। यहाँ पर पूरी कपड़ों की मार्केट लगी हुई है, छोटी सी गली में काफ़ी सारे कपड़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप गया
देखो अब आ रही है। जबरदस्त सीन हो रखा है, आ रही है पर नीचे नहीं आ रही, हाथ पर हाथ से नहीं लेके जा रही ना। क्या ये लो नीचे बहुत पड़ेगी, उठा लेना। वो रहा और ढाका नहीं, क्या है मैं उछाल लेता हूँ। नहीं है मेरे पास, उछाल ले उछाल ले, ये अलग हो तो चल उछाल। देखिए इतने सारे चील यहाँ पे आ चुके हैं पर अब मांस भी खत्म हो चुका है। ये रहा ये उड़ा, उतारूंगा देखो। अच्छा उतारेगा, चल चलिए ये उतार रहा है। देखो लेकर चला गया, चलो एक बार और उड़ो। वो लेकर चली गई, देखे इतने सारे आ गया था। और तूने फेंका जब लेकर गया, जब वो फेंका जब लेके गया। हाँ बस देखो कितने सारे चील जो है पीछे नजर आ रहे हैं। और मांस को 50 रुपए का मांस खिलाया।
तब इतने सारे जो है पूरे आ गए थे। अब आसमान पूरा साफ हो चुका है, अभी चले गए जो इसमें पेड़ नज़र आ रहे हैं, इन पेड़ों पर ये बैठते हैं और शायद हो सकता है कि इनका घोंसला भी नहीं है, बसेरा कह सकते हैं। एक बार जामा मस्जिद के सामने ही है पार्क, ये जामा है तो इस तरह से आ जाते हैं ऊपर, और नहीं तो सिर्फ बैठे रहते हैं।